उमेश पाल हत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। प्रयागराज के कौंधियारा के लालापुर इलाके में पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े दूसरे शूटर को भी मार गिराया है। इस शूटर का नाम उस्मान चौधरी और विजय बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इसी शूटर ने उमेश पाल पर सबसे पहली गोली चलाई थी। 8 दिनों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये दूसरा एनकाउंटर किया है। इससे पहले पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े अरबाज को 27 फरवरी को मार गिराया था। जानकारी के मुताबिक 24 फरवरी को जैसे ही उमेश पाल अपनी गाड़ी से उतरे, वैसे ही उस्मान ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। उस्मान पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। उस्मान को अतीक अहमद गैंग का शार्प शूटर कहा जाता है। उस्मान जन्म से हिंदू था और उसका नाम विजय चौधरी था, लेकिन धर्म परिवर्तन करने के बाद वो उस्मान चौधरी हो गया। इस बात की पुष्टि ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी की है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी एनकाउंटर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अपराधी पाताल में भी छिपा होगा तो उसे ढूंढ कर सजा देंगे। पुलिस कार्रवाई में मिली सफलता के लिए मैं इस पूरी पुलिस टीम को बधाई दूंगा, और इस प्रकार के अपराधी, इस प्रकार के हत्यारे जो दिन दहाड़े श्री उमेश पाल जो अधिवक्ता भी थे, समाजसेवी भी थे, राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे, उनकी हत्या किया, और उसके बाद हमारे सुरक्षा में लगे हुए 2 पुलिस के जवानों का भी हत्या करने का कार्य किया था। आज जो मुठभेड़ हुई है उस मुठभेड़ में दूसरा जो हत्यारा था वह भी मारा गया है, और मैं पुलिस की सराहना करते हुए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर ऐसे अपराधी पाताल के नीचे भी घुस जाएंगे, प्रदेश को छोड़ करके भी भाग जाएंगे या देश की सीमा से बाहर जाएंगे, तब भी उन्हें खोज करके और उनको जो दंड दिलाने का काम है वह निश्चित तौर से यूपी पुलिस करने में सफल होगी, और आगे जो बचे हुए अपराधी हैं उनको पकड़ करके कानून के अनुसार कठोर से कठोर कार्रवाई करवाने का काम किया जाएगा।